मेरा नाम है जीशान लाका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा फोर्थ वीडियो है और आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ जिसके बारे में एक है। चलो कहीं और। हाँ, ये जगह ठीक है। दोस्तों, आज मैं कुछ एक ऐसी बात करने वाला हूँ जो कि काफ़ी सीरियस है, पर सीरियस होने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो देखो गौर से इसको। ये ही असली मेरी बर्बादी का रीज़न नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता था जो मेरे दिल में काफ़ी टाइम से चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम आ गया है कि इसे अभी मैं बता दूँ। मैं सोचा था कि नहीं बताऊँगा, पर नहीं बताना मुझे आज ज़रूरी हो गया है। तो काफ़ी दिनों से मैं अपने कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था पिछले वीडियोज़ के, तो उसमें इतनी सारे कमेंट सेक्शन रजनीगंधा के बारे में आ रहे। अरे भाई, आप रजनीगंधा क्यों नहीं छोड़ देते? अरे तू तो रजनीगंधा खा के बॉडी बनाया है क्या? मतलब ऐसे बहुत सारे फ़नी कमेंट्स और डीमोटिवेटेड कमेंट्स बहुत आ रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई। देखो गाइज, ऐसा है कि मैं आज अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मैं एक गंदी चीज़ खाता हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए, और अपनी गलती एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, है ना। तो ऐसा है कि मैंने बहुत पहले की बात है, जब शुरू हुआ था मेरा बिजनेस और मैं बस काम करने लगा था, पैसे कमाने का बहुत शौक़ था, भागम दौड़ी, बस भाग रहे यहाँ वहाँ, कैसा भी करके बस कुछ भी करना है, मेहनत करना है, पैसा बनाना है। पैसा कमाने का शौक़ किसको नहीं रहता है ना, आपको भी होगा, मुझे भी है। तो बस उस टाइम पे बहुत सारे स्ट्रेसेस थे, फैमिली के स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस, तो उस टाइम पे ये चीज़ मेरी स्ट्रेस दूर करती थी, बस इसीलिए मैंने इसको खाना शुरू किया था। दो दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था इसके डिसिप्लिन के बारे में, मैंने अपने वीडियो में डिसिप्लिन की बात की थी, और मैं बस वो वीडियो अपलोड करने के बाद यही सोचने लग गया कि यार जीशान, तू लोगों को डिसिप्लिन करने रहने की बात कर रहा है और तू खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ पा रहा है, तेरे अंदर इतना अच्छा विल पावर है, तूने इतनी अच्छी बॉडी बनाया। मैं अपने आप में ऐसी सोचने लगा। बस उसी दिन से मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं खाऊंगा रजनीगंधा, और एक हफ्ता हो गया है गाइस कि मैंने इसे एकदम कम्प्लीटली छोड़ दिया। आप लोग ने निखिल वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने रजनीगंधा खाया था। हाँ, मैंने खाया था उस दिन रजनीगंधा, बट क्या करूँ, उस दिन दुकान पे से आया था, घर पे आया, स्ट्रेस था, एकदम थका हुआ था, रात को गाड़ी चला रहा था, पूरी रात अकेला था, तो मैंने वो टॉनिक डाल दिया, टॉनिक बोलता है निखिल उसे, मैंने उसे डाला, और फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई चलो, नींद नहीं आ रही, अभी फ्रेश है तो चलो अभी पहुंच जाएंगे। पर गाइस, आप लोग ऐसा कभी मत करना, मालूम पड़ा आपने टॉनिक डाला और सीधा पहुंच गए लद्दाख है ना, ये बहुत गलत चीज़ है। और गाइस, मैंने इसको ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ, पर आप खुद सोचो कि जो इंसान इतने सालों से एक चीज़ खा रहा है उसे कितना तकलीफ हो रहा है अभी इसको छोड़ने में। पर अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो अभी तो मैंने एक हफ्ते से नहीं खाया है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे कभी नहीं खाऊं। आज भी मैं शॉप पे जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ हूँ, या कहीं पे मुझे जब भी दिखता है तो थोड़ा ऐसा होता है कि चल आज खा लेता हूँ, कल से बंद कर दूंगा, पर नहीं, मैंने स्ट्रिक्टली इसे बंद कर दिया है गाइस। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरी इसमें हेल्प करें, मुझे थोड़ा मोटिवेट करें। अगर ये कमेंट्स आते रहेंगे कि जीशान तू तो अभी भी खा रहा है, तू तो ये कर रहा है, तो थोड़ा डीमोटिवेशन फील होता है गाइस, और कोई बात नहीं। बस ये मेरी छोटी सी कहानी थी रजनीगंधा की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी हेल्प करें इसे छोड़ने में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, अगर आप लोग में से कोई भी ये चीज़ खा रहा है तो प्लीज़ इसे छोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अपन ने तो छोड़ दिए ले भाई, क्योंकि अपने को रहने का है फिट। तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। अटक गया ना, वापिस गिरे थे बस ही बोल